जवाहर बाड़ के किसान परिवार की बेटी ने दिलाया शहर के लिए सम्मान। नीट 2022 में हुआ सिलेक्शन। नीट का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, जिसके चलते बीना में एक किसान परिवार के यहाँ जश्न का माहौल है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बेटी ने परिवार का मान और शहर का सम्मान बढ़ाकर उपलब्धि हासिल की। हम बात कर रहे हैं जवाहर बाड़ में रहने वाली बेटी चेतना ठाकुर की, जिन्होंने नीट 2022 में स्थान बनाकर अपने कदम डॉक्टर बनने की ओर बढ़ा दिए। चेतना ठाकुर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने 12 तक की पढ़ाई बीना में की और उसके बाद मन में आया कि डॉक्टर बन समाज की सेवा करना है। चेतना ने एक वर्ष कोचिंग की और फिर कोरोना काल के चलते घर पर ही 2 वर्षों तक तैयारियां की। परिवार के सभी सदस्यों की हौसला अफजाई से चेतना को यह मुकाम मिल गया। वहीं चेतना के पिता कमल सिंह का कहना है कि परिवार में कोई भी सदस्य मेडिकल लाइन में नहीं, बस बेटी ने कर दिखाया कि बेटियां किसी से कम नहीं। मेरा नाम चेतना ठाकुर है और मैंने जो पहला ड्रॉप है वो तो मतलब इंदौर से लिया था। उसके बाद कोरोना था तो बाहर नहीं जा पाई, तो 2 बार घर से प्रिपेयर किया। उसका भी पूरा 3rd ड्रॉप हुआ, तो मतलब इस बार सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक है 13,875। अच्छा, परिवार की तरफ से क्या सहयोग मिला आपको? सब पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली पापा ने, और फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। जब है तो फैमिली कर पाती है सपोर्ट, घर से प्रिपेयर किया तो। किस तरीके से तैयारी करती थी आप? सर डेली सर 6 to 8 hours स्टडी है, लेकिन सर कंटिन्यूसली। पारिवारिक बैकग्राउंड तो क्या है, हम लोग कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे परिवार में भी एजुकेशन में तो हम लोग रहे हैं, लेकिन सर्विस वगैरह में कोई ज़्यादा नहीं है परिवार से। और एजुकेशन में डॉक्टर वगैरह इस फील्ड में तो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे, लेकिन जो है आज हमने देखा कि बेटी का मन है। पहले तो इस तरीके की एजुकेशन भी नहीं थी उसकी भी, और जब उसका मन लगा तो उसको 1 साल के लिए हमने इंदौर भी भेजा तैयारी करने के लिए। जो हमारे परिवार में लगभग अपनी बच्चियों को लेकर आज के समय में थोड़ा सा रहता है, और जब नहीं जाते तो थोड़ा डर भी रहता है, इसके बावजूद भी हम लोगों ने भेजा। और उसके बाद में कोरोना काल के वापस आने के बाद घर पे ही तैयारी की। पिछले साल लगभग मैं भी जो है मैंने भी कह दिया था कि नहीं हो रहा है तो रहने दे बेटा, लेकिन जिद जो है जीतने की थी, उसने कहा नहीं पापा इस बार और करने दो, और इस बार सिलेक्शन हुआ है, जिसकी हम लोगों को सभी परिवार वालों को काफ़ी खुशी है कि एक बेटी जो है अपना परिवार का मान बढ़ा रही है।